हाँ हेलो स्टूडेंट, ये जो हमारा वीडियो आ रहा है जनरल बायोलॉजी का वीडियो है, और ये जो जनरल बायोलॉजी है इसमें बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म क्लियर किए जाएंगे। ऐसे टर्म की जानकारी 11th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, नीट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, TGT का प्रिपरेशन करने वाले, PGT प्रिपरेशन करने वाले तथा वन डे एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जैसे आज हम एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है। अगर जनरल टॉपिक ले रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले ये जानना है बायोलॉजी शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया। बायोलॉजी शब्द जो जिस साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया, उनका नाम लैमार्क व ट्रिबनस, 1802। तो बायोलॉजी जो शब्द आया वो लैमार्क द्वारा आया, उनके सहयोगी ट्रिबनस द्वारा आया, ये 1802 में आया। इस बायोलॉजी में दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट बायोस है, दूसरा कंपोनेंट लागस है। बायोस की मीनिंग होती है लाइफ, लागस की मीनिंग होती है स्टडी, यानी हम बायोलॉजी में लाइफ की स्टडी करते हैं। हम बायोलॉजी में लिविंग की स्टडी करते हैं। हम बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी हम बायोलॉजी में जीवन की स्टडी करते हैं। हम बायोलॉजी में सजीव की स्टडी करते हैं। हम बायोलॉजी में जीवधारी की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन बनता है, लाइफ क्या है? लाइफ के कुछ विशेष गुण हैं, जीवन का कुछ विशेष गुण है। इसमें जो पहला गुण है वो वृद्धि है, ग्रोथ। जो दूसरा गुण है वो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन। जो तीसरा गुण है वो उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिज्म। जो चौथा गुण है वो कोशिकीय संगठन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो पाँचवा गुण है वो सचेतता है, कॉन्शियसनेस। हमने 5 प्रॉपर्टी लिखी है लिविंग की, यही 5 प्रॉपर्टी सजीव की भी है, यही 5 प्रॉपर्टीज जीवधारी की भी हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज मुख्य प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, जिसमें ये गुण मौजूद है, उसमें जीवन है। अब समझते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जो है भार में वृद्धि, नंबर में वृद्धि, यानी अगर देखा जाए तो ये ट्विंस करेक्टर है। भार भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा, हम दोनों को वृद्धि मानेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? लकड़ी का गुटका निर्जीव है, उठा करके पानी में डाल दो वो फूल जाता है। अगर वो फूल जाता है तो उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, मास में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या वो वृद्धि नहीं है? वो भी वृद्धि। इसका मतलब है वृद्धि निर्जीव और सजीव दोनों में पाया जाता है। इसीलिए हम इस वृद्धि को सजीव का अस्पष्ट गुण नहीं मानते, इसे अस्पष्ट गुण मानते हैं। हम इसे सजीव का नॉन डिफाइनिंग करेक्टर कहते हैं। ऐसे दूसरा है रिप्रोडक्शन। जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो संतत उत्पन्न करते हैं। संतत उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे खच्चर है, म्यूल्स, जैसे बांध श्रमिक मधुमक्खी है, स्ट्राइल वर्कर भी। कुछ मानव दंपत्ति हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपुल, ये संतत उत्पन्न करने में अक्षम है, तो क्या ये सजीव नहीं है? ये सजीव के अपवाद हैं। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को सजीव का अस्पष्ट गुण ना मानकर हम उसे अस्पष्ट गुण मानते हैं, नॉन डिफाइनिंग करेक्टर कहते हैं। लेकिन ये तीनों करेक्टर लिखे हैं नीचे, उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज, कोशिकीय संगठन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सचेतता कॉन्शियसनेस, ये 3 प्रकार के गुण केवल सजीवों में पाए जाते हैं। इनका सजीवों में या निर्जीवों में कोई अपवाद नहीं है। हम इसलिए इन तीनों करेक्टर को डिफाइनिंग करेक्टर, जीवों का, सजीवों का, जीवन का अस्पष्ट गुण मानते हैं। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? जो जीवधारी हैं उनके शरीर के भीतर निरंतर रासायनिक क्रियाएं चलती रहती, सरल रसायन जुड़ते रहते हैं, जटिल रसायन बनते हैं, जटिल रसायन टूटते रहते हैं, सरल रसायन बनते हैं, ये क्रियाएं निरंतर प्रतिपादित होती रहती, हम इसी को उपापचयी क्रिया कहते हैं, ये निर्जीव में नहीं पाई जाती। कोशिकीय संगठन, जैसे तुम्हारा मकान ईंट से बना, ऐसे तुम्हारी शरीर सेल से बनी। ऐसे जीव भी हैं जिनकी शरीर एक सेल से बनी, ऐसे जीव हैं जिनकी शरीर अनेकों सेल से बनी, जैसे मानव की बॉडी 10^14 सेल से बनी। ये गुण केवल जीवों का गुण है, ये निर्जीवों में नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम डिफाइनिंग करेक्टर मानते हैं। कॉन्शियसनेस, सचेतता, सुबह होती है, प्रकाश होता है, तमाम पालतू पशु चरने के लिए चल देते हैं, तमाम जानवर चरने के लिए चल देते हैं, भोजन की खोज में चल देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में पुष्प खिलते हैं,
तमाम जीवधारी ऐसे हैं जो विशिष्ट ऋतु में ही प्रजनन करते हैं। इसका मतलब है इन्वायरमेंट के परिवर्तन को समझते हैं, उसके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम इसी गुण को सचेतता कॉन्सियसनेस कहते हैं। इस प्रकार का करैक्टर नॉन लिविंग में नहीं है, इसलिए कॉन्सियसनेस को भी हम डिफाइनिंग करैक्टर्स मानते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है। अब तुमने सीख लिया कि जीवन क्या है, ये जीवन लाइफ नॉन लिविंग निर्जीव से कैसे भिन्न है, यानी उसमें ये करैक्टर अनुपस्थित हैं। जितने भी डिफाइनिंग करैक्टर्स हैं ये अनुपस्थित हैं, इसलिए वो निर्जीव हैं। अब इसमें क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में कैसे आएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि बायोलॉजी टर्म किस साइंटिस्ट ने कॉइन किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है लाइफ के करैक्टर्स क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है, ये चार टॉपिक तुमको दे दिया गया और पूछा गया इसमें जीवधारी का अस्पष्ट गुण कौन सा है, टिक करोगे कि रिप्रोडक्शन जीवधारी का अस्पष्ट गुण है, क्योंकि तमाम जीवों में रिप्रोडक्शन या प्रजनन अनुपस्थित होता है, जैसे खच्चर, जैसे श्रमिक मधुमक्खी, स्ट्राइल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपूल। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में मिलेंगे। हमारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, तमाम टर्म क्लियर होते रहेंगे, तुम्हारे परीक्षाओं में तुम्हें लाभ मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।